अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है चाइनीज़ बोल्स। ये बड़ा एक इंटरनेशनल ट्रेंड है, आपको रेस्टोरेंट्स में जाकर ये आप खाते हैं। इसमें चाइनीज़ में भी मिल जाता है, दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी आपको ये मिलेगा। इसमें आप नूडल्स जो हैं स्पेगेटी वो ऑर्डर कर सकते हैं, राइस ऑर्डर कर सकते हैं साथ किसी भी ग्रेवी के। तो और ये भी हो सकता है हाफ एंड हाफ कर लें, स्पेगेटी या नूडल्स और साथ चावल जो है राइस वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज वही हम बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने राइस जो है वो तकरीबन हाफ कप लेके उबलने के लिए रख दी हैं। ये मैं इंस्टेंट नूडल्स यूज़ कर रही हूँ उबलने के लिए, वो भी रख दिए मैंने, ये चिकन वाली हैं। और कुछ पीनट्स जो हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए, उनको मैं थोड़ा सा जो है ऑयल डाल के उनको मैं इसी तरह गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी बिल्कुल मीडियम पे। तो ये क्रंची हो गए हैं। तो इधर हमने जो है बनाना है ऑरेंज चिकन। कोई दो ग्रेवी आप बना सकते हैं। ऑरेंज चिकन में आपने मिक्स वेजिटेबल है क्यूब में और जिंजर गार्लिक है। यहाँ पे आपने बीफ लेना है जूलियंस में कटा हुआ और सब्ज़ मिर्ची हैं। ये चिली बीफ चिली ड्राई हम बनाएंगे और जिंजर गार्लिक है। अब यहाँ पे एक सॉस बनाएंगे जो दोनों में ही कॉमनली यूज़ होती है किसी भी चाइनीज़ के लिए एक्चुअली। तो ये बनाई होगी तो ये कन्वीनियंट होता है आपको, उस वक्त जल्दी से आप बना सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने लेना है सोया सॉस, एक टीस्पून और जो है वो लेनी है काली मिर्च, और विनेगर लेना है आपने 1 से 1.5 टेबलस्पून, और जो आपको टेस्ट पसंद है अगर खटास के हिसाब से। ये तकरीबन ये बिल्कुल मुनासिब था, तकरीबन एक मैंने लिया और तकरीबन हाफ जो है उसके अंदर वो जो है वो गिर गया था, तो ये तकरीबन परफेक्ट था, इसको कोई एक्स्ट्रा खटास इसकी नहीं है। तो ये हमने ऐड करना है, कोई नमक अभी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें जिंजर और गार्लिक को हमने सौते करना है। अच्छा, एक सजेशन है कि आप इसी तरह जैसे मैंने चॉप किया है आपने वो करना है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था दोनों ही ग्रेवीज़ के अंदर। तो आपने ऐसा ही इनको जो है वो, और हाई फ्लेम है आपने देख लिया है, हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको सिज़र कराना है, थोड़ी खुशबू आएगी। तो इसमें बस चिकन ऐड करके उसको हम चिकन जो है वो उसको पकाएंगे। देखिए जो ही इसका कलर चेंज हो गया और ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसके अंदर जो हमारी सॉस है, ये पहले हम ऑरेंज चिकन बना रहे हैं, तो ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं इसमें, क्योंकि इसका बेसिक मीठा सा वो जो फ्लेवर आएगा खटास वाला ऑरेंज का आएगा। मैं कोई भी ऑरेंज जो है जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बना बनाया ऑरेंज जूस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे हॉट सॉस का एक चम्मच जो है आपने भर के डालना है, कोई सी भी हॉट सॉस जो आपको है अच्छी लगती है। और ये 3 से 4 जो है ये टेबलस्पून ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ जो है चिकन और ज़्यादा टेंडर हो जाएगा और प्लस इसके अंदर ऑरेंज की जो है वो खुशबू आ जाएगी। तो बस ये देखिए, इसको इसी तरह मैंने सीजनिंग भी इसकी चेक कर ली है, वो बिल्कुल ठीक है और चिकन टेंडर हो गया। अब इसके अंदर हमने ये वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, ठीक है। अभी अगर आपने सर्व करना है फैमिली को या किसी फंक्शन पे या डिनर पार्टी पे, तो आप इस स्टेज पे इसको अब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना पकाइएगा, बाद में इसको गर्म हमने करना होगा, तो बिल्कुल वो जो फिर ड्राई ना हो जाए। तो मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ। फिर अगेन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ऑयल और उसके अंदर बाकी का जिंजर और गार्लिक जो है वो चॉप को मैं डाल के सौते करूँगी इसको। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बीफ जो था इतनी थोड़ी मिकदार में मैंने ही इसको किया, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास कबाब पड़े हुए थे तो उनको मैंने जूलियंस में काट लिया, बीफ के कबाब थे मेरे पास। तो ये शॉर्टकट आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जो ही इसके अंदर से खुशबू आएगी, तो बस इसके अंदर हम जो है वो सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और सब्ज़ मिर्चें ये बहुत तीखी वाली नहीं है, अगर आपकी बहुत तेज़ हैं तो इसमें कम कर दीजिएगा, लेकिन मेरे वाली जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, पतली है, लेकिन इसके बावजूद ये कड़वी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये स्पाइसी नहीं थी। तो बस इसको हमने खुशबू आने तक इसी तरह इसको हमने फ्राई करना है, क्योंकि कबाब जो है बिल्कुल उनको टाइम नहीं लगेगा सॉफ्ट होने में और पकने में। और अगर आपके पास बीफ है तो बीफ आपने फिर उसको बहुत बारीक इसी तरह काट लेना है, ताकि वो इतनी देर में ही पक जाए, क्योंकि ओवर कुक होता है तो बीफ वो फिर ना हार्ड हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो च्यूई हो जाता है। तो आपने सिर्फ उसको
बिल्कुल मिनट्स के हिसाब से जैसे वो आपने पकाना है। बाकी की सॉस हमने डालनी है इसमें, अगेन अभी पूरी नहीं डालेंगे इसमें, हमने तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। ठीक है जी, आप चाहें तो इससे भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये हमने जो सॉस है ना, इसको हमने जब सर्विंग करेंगे तो अभी आपको बताती हूँ कि हमने चावलों पे हम इसको ड्रिजल करेंगे, जिसका बहुत बेहतरीन टेस्ट है ये। बस अब हमने सर्विंग से पहले हर चीज़ गर्म करने के लिए रख दी है, नूडल्स रख दिए गर्म करने के लिए, चावल रख दिए गर्म करने के लिए, और ये हॉट जो है स्किलेट किया तवे के ऊपर हमने इनको ये सिजल होने के लिए देखें रख दिया है, और ताकि ये गर्म, सब चीज़ें गर्म हो। और इसमें हमने जो चावल हैं गर्म किए हुए, अब हमने उस सब वो पहले मैं सर्व करूँगी। ये देखिए अपने बोल्स आप तैयार रखिए, उसके अंदर जो है ये गर्मा गर्म चावल जो है उनको हमने डालना है। और ये डिपेंड्स क्योंकि मैं सिंगल सिंगल सर्विंग कर रही हूँ, तो और जो होटल्स में लोग ज़्यादा करते हैं वो क्या करते हैं, आधा प्याला जो है चावल करते हैं, आधा प्याला नूडल्स कर देते हैं, और दो कोई दो ग्रेवी कर लेंगे या एक ग्रेवी कर लेंगे, तो उसको हाफ एंड हाफ कहते हैं। तो वो भी जो है उस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर हमने अपना बीफ चिली जो है हमने इसके ऊपर, ये इसके ऊपर साइड पे रख देना है गर्मा गर्म। मैंने प्लेन राइस रखे हैं, आप गार्लिक राइस कर सकते हैं, आप वेजिटेबल राइस कर सकते हैं चाइनीज़ जो होते हैं, और एग फ्राइड राइस कर सकते हैं। तो चिकन नहीं करने की ज़रूरत क्योंकि हम ऑलरेडी बीफ के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने सेसमी सीड जो है वो हमने स्प्रिंकल करना है, ग्रीन अनियन और जो है वो इसके ग्रीन पार्ट है, और कुछ रिंग्स जो हैं वो हम डेकोरेट करेंगे, और एक्स्ट्रा क्रंच के लिए जो है इससे भी थोड़ा क्रंची होगा, और प्लस हमने इसके ऊपर पीनट जो है, चाहे तो आप इसको चॉप कर लीजिए जो है पीनट जो है, वरना फिर आप इसको एज इट इज़ ही जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये मैं कह रही थी आपको कि सॉस जो है वो आपने कुछ रखनी है ताकि आप साइड में सर्व कर सकें, और अगर आपको लगे कि अभी आपको थोड़ी ग्रेवी है उसकी ज़रूरत है तो आप उसमें चावलों के ऊपर वो ड्रिजल कर सकें, और बहुत बहुत ही टेस्टी था ये। आपने इसी तरीके से जैसे मैंने कहा है इसी तरीके से आपने इसको सर्व करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको। दूसरी तरफ मैंने नूडल्स आपको बोला इंस्टेंट मैंने रखी हैं, तो टोटल मील में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 20 मिनट में बना है टोटल मील। ये इसकी साइड पे हम डालेंगे जी ऑरेंज चिकन। अच्छा, आप स्पेगेटी कर सकते हैं इसमें, बॉईल कर सकते हैं, और उसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह 9-8 मिनट लगते हैं। यहाँ साइड पे थोड़ा सा मैंने सलाद पत्ता है उसको मैंने पतला पतला बारीक काट लिया है, वो लगा दिया है अब। और एक्स्ट्रा जो है एक फ्लेवर के लिए हॉट सॉस जो है वो आपने इसके ऊपर ड्रिजल करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेरी पेरी सॉस यूज़ की है और दैट वाज डिलीशियस। आप भी ये प्लीज़ कीजिएगा, बनी बनाई पेरी पेरी सॉस है, वैसे मैंने बनाई भी थी चैनल पे, आपको उसकी रेसिपी मिल भी जाएगी। थोड़ा और इसको खूबसूरत बनाने के लिए सॉस के ऊपर मैंने डाल दिए हैं थोड़े सेसमी सीड्स डाल दिए हैं। तो लीजिए, ये आपकी बहुत ही खूबसूरत बहुत मज़ेदार चाइनीज़ बोल्स जो हैं वो तैयार हैं, ट्रेंडिंग रेसिपीज़। और इसमें कोई सी भी जो है ग्रेवीज जो है और कोई सी भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, साथ चाहें तो आप जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं वो एक एक लगा सकते हैं, विंग्स साथ रख सकते हैं एक्स्ट्रा जो है इसकी उसको फॉर्मल करने के लिए। तो आप इसको टेस्ट करते हैं और देखिए कितना क्रिस्पी सा वो कबाब हालांकि थे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था टेंडर हुआ हुआ बीफ है। तो ये जुगाड़ भी आप कर सकते हैं टिप्स में, और जो है शॉर्टकट्स में ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो हमने सॉस चावलों के अंदर डाली थी उसका बेहतरीन एक टेस्ट आ रहा था, जिंजर की फ्रेशनेस। और इसी तरह आपने उसको पेस्ट नहीं यूज़ करनी, आपने जिंजर गार्लिक जो है चॉप्ड यूज़ करना है, बहुत बारीक भी नहीं। और इस तरह लीजिए अब स्पाइसी नूडल्स और इसका पेरी पेरी सॉस, वैसे तो कोई भी हॉट सॉस अच्छी लगेगी, ये ज़बरदस्त जी इसका भी फ्लेवर है। इंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।